स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हम कहाँ से स्टार्ट, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से लेसन को स्टार्ट। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो अपना फार्मेसी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, और दूसरे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होने चाहते हैं, जॉब करना होगा। और दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिनका बिजनेस चल रहा होगा या अपना बिजनेस ओपन करेंगे। तो आप कौन वाले स्टूडेंट हो कमेंट करके जरूर बता देना। ये वाले स्टूडेंट्स के लिए बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, वो 80% आए हुए थे सभी जगह के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चाहे आप यूपी से हो या कहीं से भी, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं क्या हमारा जो एग्जाम है वो सेम डे रहता है या और अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहते हैं। पढ़ के गए थे यहाँ से, उन सभी बच्चों के कमेंट्स इस वीडियो में पढ़े हैं, तो आप खुद देखोगे तो पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन और आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बताए हुए क्वेश्चन मेरे कितने आए थे, 50 आए थे, 80% आए थे, ठीक है, आप खुद देख सकते। Hey everyone, welcome to our channel, Hello Pharmacist। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी फार्मेसी रिलेटेड। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं और न्यू बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो पढ़ाई करने से स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे दीदी क्लासेस ओपन करिए, क्लासेस चलाइए। तो देखिए, आप लोगों की क्लासेस तो बहुत ही पहले से मैंने स्टार्ट कर रखी हुई है। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस बार वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना डी फार्मा की शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डी फार्मा में एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखनी है। हाँ, मैं शुरुआत से बात कर रही हूँ, शुरू से लेके आपको आखिरी तक, एकदम एंड एग्ज़ाम तक फुल सपोर्ट मिलेगा। बस आपको चैनल तक बने रहना है हमेशा के लिए, और जो मैं बताऊँगी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड ही रहने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे दीदी हम कहां से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट को, कौन से लेसन को स्टार्ट करें। तो देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो कॉलेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो अपना फार्मेसी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, और दूसरे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होने चाहते हैं। तो आप कौन वाले स्टूडेंट हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, तभी तो तैयारी हो पाएगी ना। तो जब तक पता नहीं रहेगा तब तक कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स देख रहे हैं किस टाइप के। तो आपको बताना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ पास होना है या फिर आपको जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, ठीक है। दो टाइप के हो गए, एक तो ये डी फार्मा इसलिए कर रहे होंगे कि जिनको गवर्नमेंट जॉब करना होगा, और दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिनका बिजनेस चल रहा होगा या अपना बिजनेस ओपन करेंगे। तो आपको बताना है, उसी हिसाब से मैं बहुत ही बेस्ट आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को, आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्स अप जरूर कर दिया करो, अगर आप नहीं करोगे तो कौन ही करेगा, फार्मासिस्ट हो या नहीं कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो आपको दिख रहा है कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हमें एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी। हमारा फार्मेसी में विदाउट लाइनिंग वाली कॉपियां आती हैं, वो किस टाइप की, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, जो A4 शीट्स वाले पेजेस होते हैं ना, उस टाइप की कॉपियां आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये देखिए, विदाउट लाइनिंग वाली कॉपियां आती हैं। और पहले मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर था और फिर मैं कॉलेज वाले नहीं जाती थी, तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। आपको भी शायद पहली बार पता हुआ होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता, ये रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कॉलेज हैं उनमें तो नहीं बताया जाता कि विदाउट लाइनिंग वाले कॉपी पे आपको लिखने को मिलेगा, और यही गलती यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। विदाउट लाइनिंग वाली कॉपियाँ रहती, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा तो नीचे आ ही जाते हैं ना, तो वो कॉपी देखने में कोई भी होगा, अगर आप ही टीचर रहोगे कॉपी देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ से स्टार्ट किया तिरछा तिरछा सब जा रहा है। तो इस वजह से अपनी जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने, वो आप विदाउट लाइनिंग वाली कॉपियां जो आती हैं A4 शीट्स वाली, उनको ले लीजिए, उसी में प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कि एग्जाम टाइम में ये आपके हेडक नहीं रहेगा कि हाँ मुझे तो अभी सीधा सीधा लिखना है सीधा लाइनिंग में, ठीक है। बी फार्मा वालों में आता है लाइनिंग वाली, बट डी फार्मा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स के बहुत से कमेंट्स आएंगे कि दीदी ऐसा नहीं होता हमारे कॉलेज में, लेकिन यूपी में यही है, और अगर कहीं और के हो तो
हो सकता है, लेकिन यूपी में यही है। ठीक है, अभी इस समय न्यू सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी स्टूडेंट्स लिए हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं उनसे मैंने पता किया, बोर्ड से पता करके ही आपको क्लियर और 100% श्योर वाली नोटिफिकेशन दे रही हूँ। तो देखा यहाँ पे आपने कैसे क्या करना है, और ये वीडियो जो दिख रहा है ना यहाँ पे ऐसा सेम थंबनेल है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी। अभी तो आपको पहले तैयारी करनी, फिर एग्जाम की कॉपी लिखना बाद में भी मैं बता दूंगी, लेकिन आप भी आपको पढ़ना है भाई, पढ़ोगे तभी तो एग्जाम की कॉपी लिखोगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ना क्या है फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वालों के लिए। देखिए सबसे पहले आपको सर्च करना है, आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको 100% ये श्योर करती हूँ, अगर आप मेरे तक पहुँच गए हो तो आपके पास होने की गारंटी हमारी तरफ से, क्योंकि मैं आपको वही सिर्फ पढ़ाऊंगी जो आपके 100% श्योर हैं। तो आपको सर्च करना है यहाँ पे हेलो फार्मासिस्ट। सर्च करने के बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो फिर चैनल पे पहुंच जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स सर्च करके सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, लेकिन मैं शुरुआत से बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो ऐसे ही सर्च करने के बाद आप आ जाओगे चैनल पे। चैनल पे आने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वीडियोस के एंड लाइव शॉर्ट्स जो भी रहने हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको पढ़ाई करने का तरीका जो सबसे बेस्ट है ना, वो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि टाइम टाइम पे एग्जाम कहाँ पे हो रहा है जो नोटिस आएगी और कैसे हो रहा है ये सब जानना है, और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इन सभी को कवर करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई भी मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस ही बनाती हूँ वो आपको नोटिस मिल जाएगी। ठीक है, चाहे आप फार्मेसी वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर वाले, या आप पास आउट हुए हो, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे फार्मासिस्ट वाले MCQ को प्रिपेयर कराने के लिए, तो उसको भी मैं कराऊंगी बहुत ही अच्छी बुक से, जिसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए था, बट आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं आपको भी शेयर करूंगी, आप लोग की फुल सपोर्ट करूंगी, क्योंकि यहीं से आप लोग पढ़ के गए हो तो आपको विश्वास है कि हाँ दीदी ने पढ़ाया मेरे को अच्छाई से पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ने का तरीका, अब फर्स्ट ईयर वाले हो तो फर्स्ट ईयर वाले प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को डी फार्मा सेकेंड ईयर के, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2020 का जो अभी एग्जाम हुआ था 22 का, उनमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे सभी एवरी ईयर हर साल के स्टूडेंट्स के लिए कवर करवाती हूँ। आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, और उन स्टूडेंट्स ने जो पढ़ के गए थे यहाँ से, उन सभी बच्चों के कमेंट्स इस वीडियो में पढ़े हैं, तो आप खुद देखोगे तो पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन, और आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा वीडियोस देखोगे। ठीक है, उसमें बच्चों के कमेंट्स हैं, दीदी आपके क्वेश्चन बताए हुए क्वेश्चन मेरे कितने आए थे, 50 आए थे, 80% आए थे। ठीक है, आप खुद देख सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पे मैंने सेम ही डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, वो 80% आए हुए थे सभी जगह के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चाहे आप यूपी से हो या कहीं से भी, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं क्या हमारा जो एग्जाम है वो सेम डे रहता है या और अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहे हैं, तो आप सभी लोगों का जो डी फार्मा का क्वेश्चन पेपर रहता है ना यूपी में, जो भी स्टूडेंट उन सभी का सेम क्वेश्चन पेपर सेम डे ही रहता है, अगर आप यूपी से बाहर तो सेम क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए एक फार्मासिस्ट को कितना पता होना चाहिए, ये मेरे को बहुत ही अच्छे से पता हो गया, और डिप्लोमा वाले के लिए, कि इन टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है, एक फार्मासिस्ट को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसी वजह से फार्मेसी कर किस लिए हो भाई, कमेंट करके बताओ, फार्मेसी इसलिए कर रहे हो एक नॉलेजेबल पर्सन, अगर आपके सामने कोई भी पर्सन बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर आप किसी गांव में हो या शहर में कहीं पे भी आपके सामने कोई भी पर्सन आया है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे बचाना, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही फार्मेसी में बार बार रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे बताऊँ आपको। ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट होती है। तो आप सभी लोगों के बहुत से कमेंट्स आएंगे, दीदी हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट फार्माकोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट आपके सामने है,
इसको कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप देखोगे तो समझ में आएगा। जब तक अगर आप दूर से देखते रहोगे नहीं समझ में आएगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई के पास जाओगे ना उतना ज़्यादा आपको लगेगा अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ जानना है। अगर आप किसी भी वर्क में इंटरेस्ट लोगे उसके बारे में आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये तो पता ही नहीं था और मुझे जानना है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को अगर आप टाइम दोगे तो आपको पढ़ाई में लगेगा कि मुझे तो बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ सीखोगे भी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नोट्स पीडीएफ जो भी है आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम भी है हमारे बना हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास फ़ोन में नहीं है क्योंकि स्टोरेज थोड़ा कम है, इस वजह से नहीं रखा हुआ, लेकिन एग्जाम टाइम में अपलोड कर लेती हूँ नोट्स सेंड करने के लिए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि दीदी मुझे नोट्स चाहिए, आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है टेलीग्राम पे। और जो स्टूडेंट्स भी ये प्रिंट आउट करवाने वाला गलती करते हैं ना, तो वो ना ही करवाएं, क्योंकि आप जितना रुपए प्रिंट आउट करवाने में लगाओगे उतनी बार रिवीजन कर लोगे तो वो आपके सीधे माइंड में जाएगा, एक कोने में प्रिंट आउट होके पढ़ा नहीं रहेगा। अगर ऐसा तो है नहीं कि आपको लाइफ टाइम तक पढ़ना है डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर लाइफ टाइम तक पढ़ना है या सेकंड ईयर लाइफ टाइम तक पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट निकलवाना है जो आपको लाइफ टाइम तक पढ़ना है। तो आपको इसी ईयर में इतनी मेहनत इतना सब कुछ कर लेना है कि इस बार तो हमें पास ही हो जाना है और दोबारा इन सब्जेक्ट को मुड़ के नहीं देखना। जिन स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है ना उनसे जाके पूछो कि क्या हाल होता है, एक तो बैक का प्रेशर और दूसरा नेक्स्ट एग्जाम कौन सा रहने वाला है उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इस वजह से अब सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा दिन एग्ज़ाम नहीं रहने रह गए हैं, बहुत ही कम डेज हैं, और जब आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे ना तो एक दिन का भी गैप नहीं मिलता है, रेगुलर डे बाय डे एग्ज़ाम लगातार होते हैं, रिविज़न का भी मौका नहीं मिलता है। तो आप कैसे रिविज़न करोगे एग्ज़ाम टाइम में, ये आपकी दीदी आपको बताएगी। बस आपको कंटिन्यू रहना है चैनल पे, चैनल पे आ गए हो तो बस आपको अपना साथ बनाए रखना है, सब कुछ मेरे ऊपर है जिम्मेदारी आपकी। बहुत से स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, 3 साल होने जा रहे हैं इस चैनल का, तो फिर कभी मैं सेलिब्रेट करूंगी तो आपको जरूर वीडियो या जो भी स्टूडेंट्स मेरे पहचान में रहेंगे उनको बुलाऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं, कई कई ऐसे आपके कॉलेजेस में टीचर भी होंगे जो जब पढ़ाते समय तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक से पूछ दो तो फिर वो टॉपिक थोड़ा माइंड से निकल जाता है। इसलिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जरूरी नहीं आप बहुत सारा पढ़ो, जितना पढ़ो उसी का रिवीजन बार बार करो। क्योंकि मैंने क्या बताया, एक फार्मासिस्ट को जितना पता होना चाहिए मैंने सब अपने चैनल में ऑलरेडी कवर करवा रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वाला कंप्लीट करना है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, ठीक है। आपको पहले ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट ईयर वाले कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड ईयर वालों के बारे में। सेकंड ईयर वालों के लिए आते हैं सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट पे, उन्हें कवर करना है सबसे पहला सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इतना बड़ा सिलेबस है उसमें से मैंने इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिपीटेड है जो सिर्फ और सिर्फ 49 वीडियोस में कवर करवा रखा है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है। टेलीग्राम जैसे ही आप लोग चलाते होंगे तो उसमें फाइल्स पीडीएफ वाले ऑप्शंस आते हैं ना, तो वहाँ से आप खुद डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा जो समझने का तरीका, जितना भी आप दूसरों के नोट्स ले लो, जितना भी पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लो, लेकिन जब तक वो व्यक्ति जो भी पर्सन का नोट्स है वो सामने से पढ़ा या बता नहीं रहा है कि इसको ऐसे करना, तब तक कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो जिनको चाहिए उनके लिए मैंने सेंड कर रखा है, लेकिन ज़्यादा समझदारी इसी में है, स्मार्टनेस, कि आप अपना ये जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं उन्हें रिवाइज करो। 2 बार से ज़्यादा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा माइंड में जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि सीधा माइंड में जाएगा, इधर उधर प्रिंट आउट करा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप दोनों स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वालों के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और कैसे स्टार्ट करना है बता दिया है। प्लेलिस्ट ओपन करोगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अलावा मैंने कुछ भी नहीं आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको कवर करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप ज़्यादा मैं आप नहीं अपने बारे में बताऊंगी कि ये वो, ठीक है, आप खुद देख के समझ जाओगे, नहीं तो कहोगे क्या दीदी बताया जा रहा, ठीक है। मुझे ज़्यादा अपनी पढ़ाई नहीं करना पसंद है। अब देखते हैं आगे आगे आगे। एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि फार्मेसी MCQ वाले क्वेश्चंस एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उस स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MCQ एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो
बना रखी हैं जहाँ पे एग्जिट एग्जाम की तैयारी ये आपके सामने है। देखिए एग्जिट एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मासिस्ट वाले एग्जाम से रिलेटेड, उस बुक से मैंने कवर करवा रखा है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, कमेंट नाउ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इतने बढ़िया लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो फिर इससे नीचे तो आना नहीं है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड है। तो ऐसे करनी है आपको अपने एग्जाम की तैयारी। और जो भी डाउट रहना है, इतना सा भी डाउट रहना है, तुरंत कमेंट ना, आपकी दीदी हमेशा आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए ये हो गई हमारी सभी लोगों के डाउट्स क्लियर, और जो भी डाउट रहने हैं और कमेंट ना। इन्वायरमेंट डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हर संडे संडे पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है ना तो पूरे फार्मेसी के सिलेबस में बैक माना जाता है। यूपी वाले ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, एग्जाम के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी प्रीवियस ईयर वाले पेपर क्वेश्चन जो होते हैं ना उनकी पूजा किया करो भाई, अच्छे से उन्हें रट डाला करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी मैंने 33 क्वेश्चन पेपर कवर करवा रखे हैं, तो कब देखोगे, बैक एक लेने का मन है क्या? तो जल्दी से कंप्लीट कर लो इन सभी को। पहले तो ये टारगेट आपको कंप्लीट कर रखना है अपना, ऐसे छोटा छोटा सा ये जो स्टिकी कार्ड्स होते हैं ना ये ले लो, या फिर डायरी या कुछ भी आपके पास रजिस्टर हो जिसमें आप लिखो अपना एक टारगेट, जरूर लिखो। पहले मैं भी नहीं करती थी लेकिन अब समझ में आता है जरूर करना चाहिए, इससे आपका काम जो होता है वर्क ना वो कंप्लीट होता है और फिर आपको बाद में ये नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है और फिर रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बुक, सेकंड ईयर की मैं कौन से बुक से पढ़ाती हूँ आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है, जो स्टूडेंट्स को चाहिए यहाँ से देख सकते हो भाई। और जिन स्टूडेंट्स को मेरी बुक्स चाहिए ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है, बुक से ही पढ़ाया है भाई, वहाँ से पढ़ो, आपके साथ ही है, आपके पास ही है, बस आप लोग देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपके हाथ में है, देखो हाथ में है ना फ़ोन, तो देखो चलाओ, वहीं से मैंने पढ़ाया, कहीं और से नहीं पढ़ाया। और वही बताया है, बुक में तो बहुत कुछ है लेकिन मैंने वो बताया जो रिपीटेड है, इम्पॉर्टेंट है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हैप्पी माय लाइफ, यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने कुछ मेमोरीज ऐड कर रखी, क्योंकि मैं इंस्टा वगैरह तो चलाती नहीं हूँ कि वहाँ पे मैं शेयर करूँ। जो भी डाउट रहना है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये अपने मन में रखना है कि हाँ ये मेरी दीदी हैं और मुझे जो भी डाउट रहना है मुझे इनसे पूछना है, ठीक है। आप खुद ऐसे ऐसे अगर समझोगे तो फिर बिल्कुल भी माइंड में डाउट और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, आप बस अपने बहन की तरह फुल सपोर्ट कर लें, ओके। थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।